आप देख रहे हैं फिशिंग विद काजी अयाज और आज हमारी एक टीम जो है रवाना हो रही है अल्मानिया के लिए। तो मैं, गुलाम सरवर और काजी अयाज भाई, हम लोग 2:30 बजे निकलेंगे और इसी टीम के साथ ज्वाइन होंगे। और ये हमारा गुलाम अब्बास, और जैसे कि आप को जानते ही होंगे कि ये अल्मानिया पे ही होते हैं ज़्यादातर, अल्मानिया और अर्जीना और उसके अलावा किमाड़ी पे। तो अभी इनका सीज़न है और ये कमर्शियल करते हैं, तो ये जा रहे हैं इनके साथ है इखलाक भाई और वो हमारे भाई खड़े में, क्या नाम है भाई, इकबाल भाई, ये भी जा रहे हैं मगर ये शाम में रिटर्न हो जाएंगे और हम लोग नाइट स्टे करेंगे और डांगड़ी की भी ट्राई करेंगे, काले दंगे की भी। तो मुख्तलिफ मछलियों को टारगेट करने का हमारा मिशन है इंशाल्लाह, अच्छी रिपोर्ट होगी तो आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक भाई, अल्लाह हाफिज। वेलकम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत बहुत सलाम फिशिंग विद काजी अयाज की तरफ से। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो अल्मानिया का है, हमारे कुछ दोस्त वहाँ ऑलरेडी गए हुए हैं और अभी हम भी जा रहे हैं। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं मलिर के, जहाँ से हम पेट्रोल लेके अब हम भी रवाना हो रहे हैं और आगे रास्ते में एक आध स्टे करेंगे और उसके बाद जो है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे अल्मानिया के लिए। जैसे जैसे कुछ होता रहेगा वैसे वैसे आप लोगों को बताते रहेंगे। ये हूँ काजी अयाज और ये हमारे सरवर भाई। सरवर भाई क्या बोलेंगे भाई? देखें, आज हम जो जा रहे हैं स्पेशली डांगी के लिए तो जा रहे हैं, मगर उसके अलावा दूसरी मछलियों को भी टारगेट करने का हमारा प्लान है। तो देखें जिस तरीके की मछलियाँ लगेंगी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक उसका सिला देगा और आपको उसको भी काशी। अस्सलाम वालेकुम, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं धाबी जी पे और मौसम जो हो रहा है वो इस वक्त बड़ा ही सुहाना हो रहा है, सुहाना बल्कि इस वक्त आप ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ अभी बूंदाबांदी भी हुई है रोड पे, जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ बूंदाबांदी भी हुई है और कभी धूप निकल रही है और कभी बादल हैं। और जिस जगह पे अभी जाना है हमारे कुछ साथी वहाँ क्योंकि मौजूद हैं तो उन्होंने बताया है कि वहाँ भी बहुत मौसम ऐसा हो रहा है, काली घटाएँ मौजूद हैं। तो अभी देखते हैं, अगर हमें मौका मिल गया वहाँ का तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग दरिया पीर पर रुक जाएँगे। तो अभी साथी रुके हुए हैं यहाँ पर, कुछ सामान वामान ले रहे हैं, खाने पीने का रात के बंदोबस्त करेंगे क्योंकि रात का स्टे हमारा, फिर जैसी भी रिपोर्ट होती है आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ये हम लोग चारा लेने आ गए और ये अभी ताज़ा झींगा आ गया, हमने चारा ले लिया है यहाँ से और अभी जा रहे हैं अर्जीना पे खड़े हुए। और अयाज भाई हम लोग दोनों हैं, हमारी एक टीम पहुँची हुई है और यहाँ बारिश भी हो चुकी है, तो आगे देखते हैं ये भी अर्जीना के बाद बारिश है या नहीं, मगर हमें आधे रास्ते बारिश होती है। अयाज भाई बताएं बारिश कहाँ कहाँ हुई है? हमें आगे जो बारिश, मतलब पीछे जो बारिश मिली थी वो धाबी जी के करीब जो है ना हमें थोड़ी बहुत मिली थी। अब उसके आगे जो है इस वक्त हम लोग अर्जीना पे पहुँच चुके हैं, चारा वगैरह ले लिया अभी सरवर भाई ने और अब हम आगे की तरफ जाने, देखते हैं कहाँ तक बारिश है। वैसे उम्मीद यही है कि बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं है, और जैसे कि थोड़ा थोड़ा पानी देख रहे हैं आप जमा हुआ है, अब अपने रूट की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से आधा पौधा घंटा लगेगा तो हम लोग पहुँच चुके होंगे इंशाल्लाह। चलें व्यूअर्स, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं और हमारे साथी हैं सारे, अयाज भाई गाड़े सेट कर रहे हैं, मैंने अपनी गाड़ सेट करके लगा दी है, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, बिजली चमक रही है और इस तरह बारिश हो रही है, टायर वगैरह अगर कुछ चमक रही है तो मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद नजर आ रही है बादल आ रहे हैं बारिश का है और देखते हैं अल्लाह मालिक के, अगर बारिश नहीं होती तो हम क्या करेंगे, बारिश होगी तो हम क्या करेंगे।
वाह भाई माशाल्लाह, क्या साइज लगा हुआ है जबरदस्त भाई, गिर को एक मच्छी लगी है भाई जबरदस्त। अखलाक भाई तुमने भी काला रंधिया निकाल दिया, चमका दिया, ओ फुल चमकाया, अंदर की चाल से बाहर चमका दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल भाई हम लोग चमका रहे हैं वहाँ पे बैठ के, कितने सारे दंधिया भी चमकाए मैंने अभी, ये देखो ये चमकाया भाई, नहीं भी है चमकाया है दंधिया, शक्ल से अभी डोरे लगाई है, अब खेल शुरू हो। ये सरवर भाई ने मारा है भाई दंधिया, और हमारे दंधिया नीचे रखे हुए माशाल्लाह, अच्छे लगे दंधिया जबरदस्त। देखिए जी हमारे साथी जिन्होंने कुट्टी तैयार की है काली रंधिया की, हाँ जी भाई क्या बोलेंगे, वीआईपी बनी भाई, आप लोग बताओगे मैं कभी बताऊँ, बेहतरीन बनी है बेहतरीन, देख लीजिए जायका भी बहुत आला है, ताज़ा ताज़ा रंधिया है, और इस वक्त जो है फुल इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे साथी हैं, मज़ा आ गया माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई। गुड अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि वेदर बहुत ही आउट चल रहा था, और हमें अल्मानिया के ऊपर जो मौसम था वो बहुत ख़राब हो रहा था और बिजली चमक रही थी, जिसकी वजह से हम लोग दरिया पीर की जेटी पे आ गए, और माशाल्लाह ये साइज़ देखें चमका दिया काला दंधिया माशाल्लाह से, अभी जो है ना ये काला दंधिया बहुत ही आउट क्लास साइज़, ज़रा इसको पीठ वाली साइड से दिखाएंगे, बड़ा वाला भी दिखा रहे हैं, सुन का सुन काला भी, और इसको हाथ पे रखो ज़रा, बिल्कुल खींचो उंगली के करीब लाओ और ऊपर आ गया, ये देखेंगे इसका साइज़ है बहुत ही आउट क्लास बेहतरीन, और अभी जो है ये देख लें माशाल्लाह, ये जो है ना काला दंधिया बहुत ही आउट क्लास, थोड़ी सी देर में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे साथी असल बेहतरीन, ये हमारे इनको अंचू भाई, ये हमारे इखलाक भाई वो बैठे हैं माशाल्लाह, दंधिया चल रहा है जबरदस्त भाई बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखिए अभी चोटी एक मछली होती है जो भोई से बड़ी या डुग्गी, उसकी डोर कैसे बनती है ये आपको दिखा रहे हैं अब्बास भाई, मीठे के कांटे भी चलते हैं, बस भाई थोड़ा दिखाओ क्या बांधा है अभी आपने, ये देख लीजिए छोंडी की डोर, छोंडी की डोर, अमूमन लोग कहते हैं कि ये जो है डोर पे नहीं आती मछली, लेकिन इनका एक स्टाइल है बनाने का, ये इन्होंने चार कांटे इसके अंदर बांधे, अब ये वजन बांधेंगे इसमें, ठीक है बस भाई आगे, ये दो नंबर बोल रही है ना जी,
पानी है ज्वार, ज्वार में थोड़ा भारी वजन चलता है, और अगर भांग होता ना फिर में थोड़ा हल्का वजन लगता है। देख लीजिए ये इसकी डोरी हो गई है तैयार, देख लें किस तरह बनी हुई है। इसमें जो कांटा इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है 16 नंबर का, और इसके अंदर ये जो अमूमन कहा जाता है ये मीठे का भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ लोग सर्कल बोलते हैं, बहरहाल ये कांटा 20 में चलता है। तो ये आप लोगों के लिए आज बनाई है, तो इंशाल्लाह इस पर आप लोगों को शिकार भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अयाज भाई ने जो डोर बनाई थी उस पर छोटी आ गई है, ये देखो ये छोटी है और ये निकाली हुई है माशाल्लाह, जूम करके दिखा दूँ। हाँ सही है भाई माशाल्लाह।